Yeah, hi guys, welcome to Dayal Academy. अगर आप School of Open Learning के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक मैसेज की जो काफ़ी स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है, जिसमें लिखा है, डियर स्टूडेंट, योर सब्जेक्ट हैज़ बीन चेंज्ड एज पर योर एलिजिबिलिटी बाय SOL. प्लीज़ डाउनलोड न्यू फी रिसीप्ट एट स्टूडेंट डैशबोर्ड ऑन SOL वेबसाइट। तो गाइस, आज काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि उनका सब्जेक्ट कौन सा चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट चेंज के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर आपने नोटिस किया हो, जो आपने फी रिसीट पहले डाउनलोड की होगी, ठीक है, उसमें आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स सारे इकट्ठे लिखे हुए थे। उसमें सेम वन और सेम टू के जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग मेंशन नहीं किए हुए थे, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करेंगे आपके जो आपकी फ़ी रिसीप्ट है, ये देखिए, अब अगर आप नई फी रिसीप्ट डाउनलोड करेंगे तो सेमेस्टर वन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली मेंशनड हैं और सेमेस्टर टू के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी क्लियरली मेंशनड हैं। पहले भी ऑब्वियस ही था, लेकिन जो रीसेंट एडमिशन जिन्होंने लिए हैं, फ्रेश एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उनको नहीं लग रहा था कि कौन से सब्जेक्ट्स उनको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, राइट। ये तो होगी गाइस बात के अभी जो न्यू फी रिसीप्ट है उसमें क्लियरली मेंशनड है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और कौन से सेकेंड सेमेस्टर में। तो गाइज, अब बात करते हैं सब्जेक्ट चेंज की। तो गाइज, आई एम वेरी मच श्योर कि आपके जो दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज हो नहीं सकते। और अगर हम बात करें MIL पेपर की, तो इसमें देखिए हिंदी ए है इन स्टूडेंट के पास, ठीक है। इसका पेपर कोड देखिए 6205-1102। और एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, आई डोंट थिंक उसमें कोई चेंज होगा। अगर आपको लगता है चेंज है, आप कंपेयर कीजिए पहले की फी रिसीप्ट और आपकी फी रिसीप्ट में। अगर कोई चेंज लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक के डिसिप्लिन पेपर्स और एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स में कोई भी चेंज किया गया है, ठीक है। सो द ओनली चेंज अगर हुआ है, ये भी ध्यान रखें, अगर कोई चेंज हुआ है, दैट बी फॉर द MIL पेपर विच इज़ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पर क्या था, हिंदी ए था इनके पास पहले, और अभी जो उन्होंने फी रिसीप डाउनलोड की है, ये देखिए, इसमें सेमेस्टर वन में हिंदी सी है, तो ऑब्वियसली पेपर कोड भी चेंज हुआ है 6205-1104। तो गाइज, इस सब्जेक्ट चेंज के पीछे जो रीज़न है, इस बारे में बात करते हैं। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, आई प्रॉमिस। तो गाइज, ये है रीसेंट प्रॉस्पेक्टस जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने इशू किया है। इसमें आप देखिए BA प्रोग्राम का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, इसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट चेंज हुआ है, उनका चेंज सिर्फ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हुआ है। जैसे मैंने पहले बोला है, डिसिप्लिन पेपर्स में कोई चेंज नहीं हो सकता, एंड आई डोंट थिंक कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स जो AECC पेपर है उसमें भी कोई चेंज हुआ होगा, ठीक है। अगर हुआ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं रीज़न। तो गाइज, इसमें देखिए, अगर आप इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL का स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें ये बात क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने इंग्लिश स्कूल में 12th तक पढ़ी थी, तो आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी इंग्लिश दी जाती है, कौन सा सब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर, अगर आपने 80% एंड अबव स्कोर किया था इंग्लिश में इन योर स्कूल इन क्लास 12th, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दिया गया होगा, ठीक है। अगर आपके मार्क्स से बिटवीन 60% एंड 79% इन 12th इन इंग्लिश इन योर स्कूल, देन आपको दिया गया होगा इंग्लिश फ्लुएंसी, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स से बिलो 60% इन इंग्लिश इन क्लास 12 इन योर स्कूल, तो आपको सब्जेक्ट दिया गया होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। लेकिन अगर आपने 12th में इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, तो क्राइटेरिया क्या बनता है कि आपको इंग्लिश फ्लुएंसी पेपर ऑफर किया जाएगा अगर आपने इंग्लिश 10th तक पढ़ी थी, और अगर आपने 8th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश पढ़ी थी तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दी जाएगी। तो गाइज, इसमें ये जो क्राइटेरिया है, ये इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है उसमें क्लियरली मेंशनड है। लेकिन अगर आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज देखें, जैसे आप एक सेमेस्टर में या तो इंग्लिश पढ़ेंगे,
ठीक है, या फिर आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसमें ऑप्शंस हैं हिंदी, पंजाबी, तमिल एंड उर्दू। तो डिपेंड करता है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है तो सेकंड सेमेस्टर में आपके पास MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास MIL है, जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है जिसमें स्टूडेंट के पास हिंदी ए थी जो अब चेंज हो गई है हिंदी सी में। तो गाइज अगर हम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसमें देखें तो उसमें कहीं भी ये क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ए उनको मिलेगी। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, जिन स्टूडेंट की रिसीट मैंने आपको दिखाई है कि हिंदी ए उनको मिलेगी जिन्होंने ये लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल अगर हिंदी की बात करते हैं, ठीक है, जिन्होंने 12th तक पढ़ी है, पढ़ा है वो सब्जेक्ट, उनको ए दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल हिंदी ए दी जाएगी। जिन्होंने हिंदी 10th तक पढ़ी है उनको हिंदी बी दी जाएगी, जिन्होंने 8th स्टैंडर्ड तक हिंदी पढ़ी है उनको हिंदी सी दी जाएगी, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या था कि स्टूडेंट से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि उनके हिंदी में मार्क्स थे 55, इवन दो उन्होंने चेक किया है मार्कशीट में, आई एम श्योर ही नोज कि उन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी है, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं बिलो 60% हैं। तो आई थिंक अगर हम ये सेम क्राइटीरिया अप्लाई करते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का गिवन है, यहाँ पे इसमें देखिए कि इसमें लिखा है अगर आपके 12th में इंग्लिश में 60% से कम मार्क्स आए थे तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दी जाएगी। ये एक्चुअली इंग्लिश सी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो है उसका इंग्लिश ए को कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर, इंग्लिश बी लैंग्वेज पेपर की बात करें तो इंग्लिश फ्लुएंसी होती है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का सी होता है, इंग्लिश सी, ठीक है। तो आई थिंक हालांकि ये गाइडलाइंस कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है वेबसाइट पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी मैसेजेस आए हैं इस क्वेरी को लेके कि सब्जेक्ट चेंज क्यों हुआ है, कौन सा हुआ है, ये तो मैंने बता दिया कि कौन सा हुआ होगा, ठीक है, क्यों हुआ है इसका हमने अप्रॉक्सीमेट कह लो गैस या आइडिया लगाया है कि इस वजह से चेंज हुआ होगा, क्योंकि गाइस ये एक्चुअली फेयर है आपके साथ, फेयर है। फेयर क्यों है, क्योंकि अगर आपने 12th में हिंदी पढ़ी थी और आपके मार्क्स 80 एंड अबव नहीं थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपकी एलिजिबिलिटी है कि अगर आपके 60-79% मार्क्स थे तो आपको हिंदी बी दे दी गई है। अब और जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई है उनके 60% से कम थे, 55 मार्क्स उन्होंने बताया, तो उनको ऑटोमेटिकली हिंदी ए को चेंज करके हिंदी सी ऑफर कर दी गई है। अब आप सोचेंगे कि ये रैंडम गेस क्यों लगाए हैं, गाइज मैंने एटलीस्ट 2-3 बच्चों से कन्फर्म किया है जिनकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पहले हिंदी ए थी, अब चेंज होके हिंदी सी हो गई है, दोनों के मार्क्स 60 से कम थे, एक के 55 और दूसरे के 58। दैट इज़ हाउ आई कंक्लूडेड के मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो आपने चूज़ की है, बेशक वो हिंदी हो, पंजाबी या तमिल या उर्दू, आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई योर सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हैज़ बीन चेंज। और अगर आपके मार्क्स 60-79% थे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बी दी गई होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो हिंदी ए से बदलकर अब वो हिंदी बी में कन्वर्ट हो गई होगी। एंड इसके अलावा गाइस काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है और ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। तो गाइस हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप क्लिक कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखिए, इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं क्लासेस के बारे में, जिन स्टूडेंट्स को क्वेरी है या वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो गाइस सारे लिंक्स जो हैं आपके डैशबोर्ड में होते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ से भी लिंक्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स यू नो दे आर बिजी या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देखिए डेट वाइज सारे लिंक्स अरेंज हैं, हालांकि आपके डैशबोर्ड में भी लिंक्स अपडेट हो जाएंगे, आई मीन द रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी अवेलेबल इन योर डैशबोर्ड सून, लेकिन तब तक आप इन लिंक्स को क्लिक करके रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुन सकते हैं।
और जो स्टूडेंट्स अभी जानना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन पोर्टल कैसा दिखता है, आप क्वेश्चंस कैसे डाउनलोड करेंगे, आंसर शीट्स कैसे अपलोड करेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, अगर आपके भी इस बार ओपन बुक एग्जामिनेशन होते हैं तो गाइस आप फिफ्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए। इसमें काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं जिनमें हमने एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें की हैं, स्पेसिफिकली गाइडलाइंस वगैरह, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें आप देखिए एक वीडियो है जिसका टाइटल है OBE रजिस्ट्रेशन, हाउ टू डाउनलोड द हॉल टिकट एंड OBE गाइडलाइंस, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन ध्यान में इस बात को ध्यान में रखें कि अभी आपके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, यू नो दे हैव सम क्यूरियोसिटी। एंड गाइस थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हुए थे रिसेंटली, उनको भी काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि एग्जामिनेशन पोर्टल कैसा दिखता है या आंसर शीट्स कैसे अपलोड करते हैं, इवन दो आई थिंक दे हैड गिवन ओपन बुक एग्ज़ाम्स अर्लियर, लेकिन सिंस आप लोग पहली बार देने जा रहे हैं तो थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें आप एक वीडियो देखेंगे जिसका टाइटल है डिसिप्लिन पेपर के OBE में ये गलतियां न करें वरना आपकी ER आ सकती है, ठीक है। इसको आप अगर प्ले करेंगे, इसमें स्क्रीनशॉट्स हैं, वीडियो भी है प्रॉपर कि आप कैसे आंसर शीट अपलोड करते हैं और क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी है, जो गलतियां आपके सीनियर्स कर चुके हैं वो गलतियां आपको अवॉइड करनी है। तो इसमें पूरा एग्जामिनेशन पोर्टल का पूरा लेआउट दिया गया है, पूरा गाइड किया गया है कि आपको कैसे आंसर शीट जो हैं क्वेश्चन वाइज बनानी है और अपलोड करनी है अगर आपके भी इस बार ओपन बुक एग्जामिनेशंस होते हैं। और गाइस लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताना चाहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, तो आप ये वेबसाइट पर जाएं, इसका लिंक नीचे दिया जाएगा dayalacademy.com। इसमें आप नीचे देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसे क्लिक करें और उसके बाद आप पहले कैटेगरी चूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपके डिसिप्लिन पेपर्स दो होते हैं तो DSE में जाइए, इसमें जो आपके दो डिसिप्लिन पेपर्स हैं उनका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करें। और उसके बाद आप देखें कि आपका कौन सा पेपर है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स का, ठीक है, इसमें जाइए और केयरफुली देखें, आप फील सीट पहले चेक करें कि आपका AECC पेपर कौन सा है, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस है या जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन है या हिंदी कम्युनिकेशन है। इसमें भी आप देखें कि आपका A है, B है या C है, फील सीट में ध्यान से देखें। और जो फोर्थ पेपर है आपका या तो इंग्लिश होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी, या आपका होगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो अभी हमने इस वीडियो में बात की है, MIL हिंदी, जैसे जिन स्टूडेंट का A था उनको सब्जेक्ट उनका चेंज करके अब C कर दिया गया है, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।